हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियांशु प्लेसमेंट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज से हम डिस्कस करने वाले हैं कंटार प्लस मैट्रिक स्ट्रीम की हायरिंग प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। फ्रेंड्स, का पैकेज बहुत बढ़िया आएगा, 4 लाख एंड 6 लाख पर एनम। ठीक है, तो कैसे इसमें अप्लाई करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, कब इसका एग्जाम होगा, कैसे लिंक मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का आप एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स, साइड में बेल आइकन को उसको क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आप फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड नहीं हुए तो फ्रेंड्स प्लीज़ यहाँ पे ऐड हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्यूशन और मटेरियल अपलोड करते रहते हैं हायरिंग प्रोसेस के बारे में। और देख सकते हो आप सॉल्यूशन वगैरह यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं, तो यहाँ जरूर आप ज्वाइन हो जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन के लिंक अगर वर्क नहीं करे तो आप सिंपल से जाइएगा यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पर सर्च करिएगा प्रियांशु प्लेसमेंट सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपको यूजर नेम बता देता हूँ, ये इसका यूजर नेम है। ठीक है, प्रियांशु प्लेसमेंट सॉल्यूशन यहाँ पे। और ग्रुप में अगर आप ज्वाइन हो जाते तो डबल एस लगा दीजिएगा सॉल्यूशन के पहले। ठीक है, सॉल्यूशन में डबल एस लगा दोगे तो आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन जाके अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा देख लीजिए ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैट्रिक स्ट्रीम की। ठीक है, तो मैट्रिक स्ट्रीम का जो पैकेज होने वाला है, क्या इसका जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो फ्रेंड देखिए इसका जॉब डिस्क्रिप्शन ही लिखा हुआ है, मैट्रिक स्ट्रीम इज हायरिंग फॉर। सो देखिए, मैट्रिक स्ट्रीम इज हायरिंग फॉर MTS मेंबर फॉर टेक्निकल स्टाफ पब्लिक BE BTech। फ्रेंड देखिए, BE BTech में कंप्यूटर साइंस, IT और टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। तो फ्रेंड्स, इसमें लगभग सारी ब्रांच इसमें अप्लाई कर सकती हैं, मैकेनिकल सिविल को छोड़ के। ठीक है, MCA भी इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये MCA भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, MCA ओनली 2021 ग्रेजुएट। ओके, आगे की बात करते हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन इसका क्या है, मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ रहेगा। ठीक है, फुल टाइम इसकी जॉब रहेगी, बेंगलोर इसकी लोकेशन रहेगी, और 2 ईयर का इसका आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, 2 साल का आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। ठीक है, और 6 लाख पर एनम इसका पैकेज होने वाला है, जैसे कि मैं आपको थंबनेल में बता चुका हूँ। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, 10th 12th में आपके 8 CGPA होना चाहिए। ठीक है, 10th 12th में आपके 8 CGPA होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 8 CGPA होना चाहिए। तो मतलब ओवरऑल आपके 80% होना चाहिए हर एक अकेडमिक में। ठीक है, आपको सी पेपर, जावा, जावा स्क्रिप्ट, RDBMS में इन सबका नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉइड iOS का होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो फ्रेंड SQL Lite आपको आना चाहिए ना, SQL क्यूरी वगैरह आपको थोड़ी बहुत आना चाहिए, थोड़ा बहुत गिट भी आना चाहिए। ठीक है, और नहीं भी आता तभी इसमें आप अप्लाई कर दो, अप्लाई करने में कोई इशू नहीं है। ठीक है, एग्जाम देना निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, और आगे बात करते सिलेक्शन प्रोसेस, फ्रेंड आपको पता ही है जो भी माइंड होने पे एग्जाम होते हैं कि सारे, उसका सबसे पहले एक टेस्ट होता है, देन उसके बाद इंटरव्यू और HR होता है, TR+HR होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, स्क्रीन पढ़ सकते। अब मैं बताता हूँ फिर इसमें अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे देखिए ईमेल आपको डालना है, तो चलिए मैं यहाँ पे ईमेल डाल लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको अपनी ईमेल से यहाँ पर रजिस्टर करके बता देता हूँ। ठीक है, प्रियांशु प्लेसमेंट सोल्यूशन, ठीक है, @gmail.com। फ्रेंड्स, इस मेल पे आप अपना कांटेक्ट भी कर सकते हो, और आपको कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इस मेल पे। ठीक है, ये मैं केवल आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ ये। ठीक है, इस मेल आईडी से, और यहाँ से आप चाहो तो वेरीफाई पे ईमेल पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, वेरीफाई ईमेल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको एक OTP आएगा अपने मेल पे। तो चलिए मैं इस पर कर लेता हूँ, और मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, OTP फिल करते हैं। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड देखिए, वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको लिखा आएगा OTP सक्सेसफुल वेरीफाइड। ठीक है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, साइड में एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से भर लेते हैं। यहाँ पे अपना फुल नेम भर डाल लीजिएगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, करंट लोकेशन, आपका जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है वो डाल लीजिएगा। अब मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इशू आ सकता है ना। तो यहाँ से आप देखिए BE BTech पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, अदर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो BE BTech किया तो वो कर सकते हो। अगर आपने MCA किया तो आप अदर सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस जो भी आपकी स्ट्रीम है वो आप डाल दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, IT और CS। ठीक है, देन उसके बाद अगर बात करें तो ग्रेजुएशन पासिंग ईयर 2020-21 के लिए मांगी गई है इन्होंने हायरिंग। ठीक है, MCA तो MCA, नहीं तो NA भी आप कर सकते हो अगर आपने ऊपर BTech किया हुआ है तो। ठीक है, मेंशन योर ग्रेजुएशन, CGPA डालना है आपको, 12th डालना है, 10th डालना है। ठीक है, डू यू हैव इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, अगर आपने इंटर्नशिप कही है तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना, या फिर NA लिख दीजिएगा। क्लियर है, आगे की बात करें तो ट्रेनिंग अगर सर्टिफाइड है तो आप कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप 2 साल के एग्रीमेंट के लिए एग्री करते हो तो आपको यस करना है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नो। ठीक है, यहाँ पे आप नो सिलेक्ट कर दीजिएगा। आगे की बात करूँ फ्रेंड्स, तो मैं इफ सिलेक्टेड डू यू एग्री टू ज्वाइन इमीडिएटली, यस, आप उस पर यस ही करिएगा। ठीक है, नो मत करना। ठीक है, और बेंगलोर लोकेशन है तो इन्होंने यस बोला है तो सब पे यस कर देना, कोई दिक्कत नहीं, सब पे यस करना। यहाँ पे क्लिक करना बाय सबमिटिंग, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना, आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते फ्रेंड्स कंटार की। ठीक है, तो कंटार ने फिर से हायरिंग निकाल दी हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले भी आई थी कंटार का एग्जाम, कंटार की हायरिंग फिर से आई थी, अब एक बार और आ गई है। अब जो आई है फ्रेंड हायरिंग बहुत ही बढ़िया है ये वाली भी। ठीक है, अब जो हायरिंग है वो फ्रेंड्स BE BTech और एनी स्ट्रीम है ना, CS IT, ME CE, कोई सी भी ब्रांच इसमें अप्लाई कर सकती है, इवन BSc स्टेटिक्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। 2020 और 2021 बेस्ड ग्रेजुएट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे अच्छी बात ये कि 2020 और 2021 बेस्ड ग्रेजुएट इसमें मांगे हैं।
ठीक है। आगे बात करें तो फुल टाइम है जैसे हर एक में होता है, इसमें बेंगलोर लोकेशन है, 4 LPS का पैकेज होने वाला है और एग्रीमेंट इसमें नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा सर्विस एग्रीमेंट नहीं है, नो, ठीक है। तो इसमें भी अप्लाई कर देना, 10th 12th में 60% चाहिए तो ये सबसे अच्छी चीज़ है इसमें, इसके पहले वाले में 80% ही, जबकि इसमें कितनी है फ्रेंड्स, केवल 60% है, क्लियर है। रिक्वायर्ड इसके लिए तो नॉलेज ऑफ बेसिक ऑफ डाटा एनालिटिक, ये आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया आपका, एप्टीट्यूड रीजनिंग एक्सेल वगैरह ये सब चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और अगर आगे की बात करें तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ, स्क्रीन पोस्ट आराम से पढ़ लीजिएगा, एंड ऑन प्रैक्टिस आपकी प्रोग्रामिंग मॉडलिंग पे होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड, इस पे नॉर्मल से एक टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट होने के बाद आपको क्या होता है फ्रेंड, TR और HR, बस 2 राउंड होता है आपके TR और HR बस। बेसिक अगर आपका TR निकल गया तो 99% HR भी निकल ही जाता है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं आता इसमें। तो इसमें बेसिक वैसी अप्लाई करना है जैसा अभी हमने कुछ देर पहले इसमें अप्लाई किया था मेट्रिक स्ट्रीम में, सेम टू सेम बेसिक वैसी फॉर्म में बेसिक वैसी इसमें भी अप्लाई आपको करना है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो आई होप दोनों आपको समझ में आ गए, फटाफट से नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और अप्लाई करिए, और आप चाहे तो इसको भी भर सकते हैं, ठीक है, इस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा आप, क्लियर है। तो आई होप सारी बातें क्लियर होगी, कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते होगे, चैनल पर ना चलो सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट हायरिंग प्लस जो भी प्लेसमेंट आप मटेरियल अपलोड करें वो भी आपको मिलता रहे। एसेंचर की वीडियो थोड़ी सी अभी डिलीट कर दिएगी कुछ इशू के कारण, बट हम जल्दी ही एसेंचर की अगेन सीरीज स्टार्ट करेंगे इन द न्यू वे, ठीक है, नए तरीके से सीरीज स्टार्ट होने वाली है एसेंचर की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितने भी प्लेसमेंट आएंगे सबके नए सीरीज से ना नए तरीके से हम आपको थोड़ा डिस्कस करा करेंगे, अब नया वे आपको वीडियो के अंदर ही पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें ज्वाइन हो जाइएगा, ये हमारे प्लेस स्टूडेंट है, आप चाहे तो इस पे चैनल पे विजिट करके देख सकते होगे, ठीक है। तो हायरिंग प्लस प्लेसमेंट मटेरियल प्लस सॉल्यूशन ये सब चीज़ें अपलोड करते रहता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये सॉल्यूशन अपलोड हुआ है, ठीक है, तो ये सब है ना, तो आप फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाएगा इस पे, क्लियर है। तो कोई डाउट क्योरी अभी भी रह जाती है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते होगे, मैट्रिक स्ट्रीम एंड कंटार दोनों में जाके अप्लाई कर दीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कॉन्टैक्ट करना तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, आपको लिंक के सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे ग्रुप पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा व्हाट्सएप प्लस टेलीग्राम जिसपे आपकी इच्छा हो, क्लियर है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।